चौकीदार की चौकीदार नहीं सुन रहा है तो कौन सुनेगा। मथुरा के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते ये लोग हैं चौकीदार। जी हाँ, जो देश के चौकीदार हैं उन्होंने तो अपने नाम के आगे से चौकीदार शब्द हटा लिया है, लेकिन जो वास्तविक चौकीदार हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं जिला मुख्यालय मथुरा पर। बताइए किस लिए ये प्रदर्शन है आपका और कहाँ करते हैं आप चौकीदारी? हम चौकीदार थाना बंदर में करते हैं और हमारी मांग है कि हमको राज कर्मचारी किया जाए और हमारी 25,000 रुपए तनखा दी जाए। 2500 रुपए में क्या हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं या पढ़ा सकते हैं? कुछ नहीं करा सकते, हमारा पूर्ति नहीं होती है। इसीलिए कई पीढ़ियों से हम सरकार की सेवा कर रहे हैं लेकिन आज तक किसी सरकार ने हमको गले से नहीं लगाया है। अरे, आपका नाम गले से लगाया, पीएम ने चौकीदार कहा खुद को? हम गर्व महसूस करते हैं, चौकीदार ने अपना नाम चौकीदार रखा पीएम जी ने, उसके लिए हमें गर्व है। लेकिन हमारे पेट की क्यों नहीं सोच रहे पीएम साहब? इसीलिए हम उनसे पीएम साहब से मिलने के लिए आज एप्लीकेशन देने आए जिलाधिकारी महोदय जी से। अच्छा, अब हमें पीएम साहब से मिलना है। तो आप बलदेव थाने की चौकीदारी करते हो या बलदेव क्षेत्र के? हम पूरे जिले से आए हुए हैं। पूरे जिले से आए हुए हैं? पूरे जिले के थानों की आप चौकीदारी करते हैं या कि गांवों की करते हैं? अच्छा, प्रत्येक गांव से एक होता है थाना मार्ग चौकीदारी। अच्छा, बताइए। वही समस्या है हमारी, जो मानो 2,500 रुपए में क्या पालन कर लेंगे, क्या बोलते हो? अच्छा, 2,500 रुपया आपको कौन देता है? सरकार देती है। कहाँ से मिलता है वो? राज्य सरकार से। राज्य सरकार से। तो आपको बैठे ठाले ये 2,500 रुपया अच्छा नहीं लग रहा है? अब 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, अगर आधी रात को फोन आया तब भी हमें जाना पड़ता है, कहते संबंध में चौकी से पुलिस। अच्छा, फोन आता है तब जाते हो आप चौकीदारी करने? समझे नहीं, जैसे रात को जब कोई गोली आ गई हम आ गए तो हम पहुँचते हैं आधी रात को। गाँव के लिए कारण गाँव के लिए चौकीदार किया गया है, बुराई पे भलाई पे सब चौकीदारी की है। अरे सुनो, तो आपकी जो मांग है आपका विनियमितीकरण किया जाना चाहिए, आपको सरकारी नौकरी चाहिए और क्या चाहिए आपको? और पीएम से मिलना बहुत जरूरी है, पीएम से मिलना चाहते हैं आप? उन्होंने अपने को चौकीदार बताया है। अच्छा, पीएम साहब ने अपने को चौकीदार बताया है और एक चौकीदार की चौकीदार नहीं सुन रहे, चौकीदार नहीं सुन रहा है तो कौन सुनेगा? वो देश के चौकीदार और हम गांव के चौकीदार हैं। हम उनसे पूछते हैं हमारा वेतन कब बढ़ेगा, हमारे बच्चे कब शिक्षा लेंगे, हमारी पीढ़ियां गुजर गई मात्र 2,500 के वेतन पर कार्य करते हुए। प्रधानमंत्री जी, आपसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आप हमें मिलने के लिए केवल 5 मिनट दीजिए, हम तब आपको अपनी पीड़ा को कह के सुनाएंगे। आज तक हमारी पीड़ा आपके द्वारा नहीं पहुंची है, आप तक नहीं पहुंची है। एक ही मांग है आपकी, मात्र मात्र आज की मांग है, केवल है पीएम से मिलना है जी। और आप भी चौकीदार हैं और सब सरकारी नौकरी के हकदार हैं? हाँ साहब, सरकारी नौकरी बता दें कि सरकारी नौकरी है। जिले के चौकीदार है, पूरे जिले के। मेरे पता है नियुक्त होने लगे, मेरे को नियुक्त चौकीदारी भी चाहिए। मैं ड्यूटी कर रहा हूँ हर महीने, लेकिन मेरी तनख्वाह नहीं मिलती है। अभी नियुक्त नहीं किया मैंने, कागज की कानून कार्रवाई भी की है, उस पर मेरा अभी कोई। जब आपकी नियुक्ति नहीं हुई है तो फिर आप चौकीदारी क्यों कर रहे हो? बुलाते थे थाने में, ड्यूटी करते रहे, आ जाएगा तेरा वेतन आता रहेगा, तू अपने पिताजी के वजह से ड्यूटी कर रहा है। तो ये थे चौकीदार पूरे मथुरा जिले के, जिन्होंने मथुरा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के माध्यम से इन्होंने प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया है और अपने विनियमितीकरण की मांग इनके द्वारा की गई। और एक चौकीदार की चौकीदार नहीं सुन रहा है तो कौन सुनेगा? चौकीदार की चौकीदार नहीं सुन रहा है तो कौन सुनेगा?